जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। ब्रेक थ्रू संगठन ने आज अपनी 24वीं वर्षगांठ एक प्रतीकात्मक एवं दोस्ताना फुटबॉल मैच का आयोजन कर मनाई। दोस्ताना फुटबॉल मैच में जहां दिल्ली और हरियाणा की किशोरियों ने भाग लिया, वहीं अन्य किशोरों ने तेरी जीत मेरी जीत के उद्घोष के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। यह शक्तिशाली संदेश दर्शाता है कि एक जीत सभी के लिए जीत है और एक साथ है, वे बाधाओं को तोड़ रहे हैं। सोहिनी भट्टाचार्य इससे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही। रजिया फुटबॉल मैच और ब्रेक थ्रू के परिवर्तनकारी कार्यक्रमों में से कई में एक प्रतिभागी ने कहा, ब्रेक थ्रू की पहल में एक युवा प्रतिभागी के रूप में मैंने हानिकारक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने में शिक्षा जागरूकता और सामुदायिक समर्थन की शक्ति को पहली बार देखा है। मैं यह कहने में अपने साथियों के साथ खड़ी हूँ कि हम किसी भी रूप में लैंगिक हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो नैरेटिव को फिर से लिखेंगे और सभी के लिए लैंगिक समानता से युक्त दुनिया का निर्माण करेंगे। एक अन्य खिलाड़ी शिवांगी ने पत्रकारों को बताया कि ब्रेक थ्रू के कारण ही वह इस खेल में आ पाई और कोच बन पाई। फुटबॉल खिलाड़ी दिव्या ने बताया कि उनके गांव में खेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ब्रेक थ्रू ने उन्हें खेल के लिए हर चीज़ मुहैया कराई। यह संगठन मुझ जैसी हजारों बालिकाओं को जीवन में कुछ कर गुजरने के अवसर प्रदान कर रही है। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो एकदम रूढ़िवादी सोच है, जैसे कि हाँ, जो एकदम इनरूट हमारे कल्चर और हमारे सारे सोसाइटल नॉर्म्स में भी वो है, तो उसको कैसे हम बदलाव लाए। तो पहले हम तो एडल्ट्स के साथ काम करते थे, फिर हमें लगा कि अगर कुछ बदलना है और अगर एक पीढ़ियों को वो चेंज में से गुजरना पड़ेगा तो हमें बच्चों के साथ काम करना है। तो खास करके एडोलेसेंस जो कि 11 से 18 साल की है, तो अभी हम 11 से 24 साल की यूथ के साथ काम करते हैं, सोच बदलने का काम, थोड़ा सा अपने बारे में सोचने का काम, और उसी की तहत से कैसे अपना विकास पूरा संपूर्ण रूप में, और उसमें लड़कियों और लड़का लड़की दोनों का ही कैसा हिस्सा रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर देखते हैं कि काम लड़कियों के साथ होते हैं, लड़कों के साथ नहीं, मगर दोनों के साथ काम करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये बराबरी की बात है, और बराबरी की बात अगर दोनों के साथ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसी सोच से हम शुरू किए थे। अब हम स्कूल्स में और कम्युनिटी में काम करते हैं, हमारे जनरल पूरी करिकुलम है, तारों की टोली बोलते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में बात करोगे तो भारी भरकम भाषाओं से बात करोगे तो कोई नहीं समझेगा। तो कैसे आप मीडिया के माध्यम से, कैसे म्यूजिक वीडियो और फिल्म और थिएटर, इससे कैसे आप लोगों के पास पहुँच सकते हैं। तो फुटबॉल मैच भी एक ऐसे ही हो गया, देखो आज जो हो रहा है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आर्ट मीडिया के माध्यम में हम लोगों तक पहुँचाएं। जी धन्यवाद। बेटा नाम बताइए आपका। मेरा नाम चैतन्य है। आप इस ब्रेक थ्रू संस्था से कब से जुड़े हैं? मुझे ब्रेक थ्रू संस्था से जुड़े हुए 3.5 मंथ्स हो चुके हैं। 3.5 मंथ्स हो गए। आपके लिए संस्था ने जो किया है, आपको कैसा लगता है कि इस संस्था से जुड़ने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़ायदा हुआ? इस संस्था से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज आई, जैसे यहाँ पे मुझे वायलेंस की, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिला, और उनके थ्रू मेरे को यहाँ पर खेलने का भी मौका मिला। बहुत ज़्यादा मतलब निराशा फील हुआ कि हम मैच लूज़ कर गए। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि हम मैच लूज़ करें, हमेशा एक टीम का एक वो होता है कि हमें जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो हमें जीतना है, लेकिन लूज़ करें, होप फॉर द बेस्ट, हम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे।